Bismillahirrahmanirrahim. We will discuss about the water pollutions, 15.3, and this is the environmental chemistry 2, chapter number 15 of class 10. So what is water pollution? Water pollution ke bare mein hum padhenge is lecture mein. So water pollution kya cheez hai? Pollution is defined as the introduction of the substances which are undesirable and causes the contamination of the environment. तो ये बता रहे कि pollution क्या चीज़ है. Pollution basically गंदगी को कहते हैं. तो pollution को पानी की pollution यानी पानी को गंदा कैसे होता है इस हवाले से यहाँ पर ये बताया गया है. तो pollution जो है ये क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस. अगर हम किसी सब्सटेंस को डाल दें, मिला दें, शामिल करें, विच आर अनडिजायरेबल, जो हमारी ज़रूरत का ना हो, जो हम नहीं चाहते कि वो पानी में शामिल हो जाए, यानी पानी में किसी ऐसी चीज़ का शामिल करना जो कि हम नहीं चाहते कि वो पानी में शामिल हो, जिससे पानी गंदा हो जाए, तो which causes contamination of the environment, यानी जो environment को गंदा करे, यानी कोई ऐसी चीज़ अगर environment में शामिल हो जाए जो environment को गंदा करे और हम नहीं चाहते कि वह शामिल हो जाए, तो उसको कहते हैं क्या चीज़, pollution. Now water pollution occur when undesirable foreign substances are introduced into natural water. अब वाटर पोल्यूशन क्या चीज़ है, यानी एक तो इन्वायरमेंट जब गंदा हो जाए, दूसरा ये कि जब पानी गंदा हो जाए, पानी पोल्यूट हो जाए, तो वो कैसे पोल्यूट होता है. तो पानी जो है, पोल्यूशन जो होती है वो कैसे होती है, जब हम कोई अनडिजायरेबल यानी जो हम नहीं चाहते फॉरेन सब्सटेंस यानी बाहर से कोई चीज़ हो आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू नेचर वाटर. जो नेचर वाटर होता है, कुदरती वाटर जो होता है, यानी पानी जो होता है जो साफ होता है, उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ शामिल हो जाए जिसकी वजह से वो पानी गंदा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं पोल्यूशन ऑफ वाटर या वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन इज कंसीडर्ड एज ए पोल्यूटेड एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग ऑफ व्हेन इट इज कंटेमिनेटेड विद सब्सटेंसेस पोल्यूटेंट्स विच आर हार्मफुल फॉर ह्यूमंस ऑफ बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो वाटर जो है, पानी क्या है, ये एक पोल्यूटेड जब हो जाता है और ये अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो. पानी तो अगर साफ हो तो वो ड्रिंकिंग के लिए बेहतरीन है, लेकिन अगर पानी गंदा हो जाए तो वो ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं होता बल्कि अनफिट होता है, जिसको हम पी नहीं सकते, और अगर हम पियेंगे तो बहुत सी बीमारियां जन्म लेती है. तो व्हेन इट इज कंटामिनेटेड विद सब्सटेंसेस पोल्यूटेंट्स विच आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमंस बींग्स एंड अदर लिविंग. यानी पानी में अगर ऐसी चीज़ें शामिल हो जाए जो मोजर से तो जो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नुकसान पहुँचाए, तो उसको फिर कहेंगे कि ये क्या है, पोल्यूटेड वाटर है, यानी गंदा पानी है. अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर. तो ज़मीन जो है, इसका जो 70% हिस्सा है वो क्या है, पानी से कवर्ड है, यानी पानी ने गिरा हुआ है, या यूँ समझे कि ज़मीन का जो 70% हिस्सा है वो पानी पर मुश्तमिल है. हाउएवर द रिजर्वायर ऑफ फ्रेश एंड यूजबल वाटर आर वेरी लिमिटेड. तो 70% पानी तो मौजूद है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है रोज़ ज़मीन के ऊपर, लेकिन उस पानी में से जो साफ पानी है, जो फ्रेश वाटर है, किसकी जो ज़खायर है फ्रेश वाटर के, और यानी फ्रेश वाटर यानी पीने वाला पानी जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत महदूद है. यानी वैसे तो 70% जो पानी है वो क्या है, ज़मीन में जो है ये पर मौजूद है. यानी 70% यानी कि पानी मौजूद है, बाकी 30% खुश्की है, 70% पानी है. लेकिन मसला ये कि जो फ्रेश वाटर है जो साफ पानी है और यूजबल वाटर जो हम इसको इस्तेमाल कर सके, वो क्या है, वो लिमिटेड है, वो महदूद है, यानी कम है. The humans' activities are constantly destroying the fresh water resources. इंसान जो ज़मीन पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो सड़क तौर पर वो फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं,
मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो उनकी वजह से या जो गाड़ी का जो एग्जास्ट है उससे भी इन्वायरमेंट गंदा हो जाता है। तो उसके यानी ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे जो फ्रेश पानी के जो ज़खायर हैं वो तबाह हो रहे हैं, वो ज़ाया हो रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। वाटर इज एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट एंड कैन डिजॉल्व वास्ट वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस। पानी जो है ये क्या है, ये बेहतरीन सब्सटेंस है, सॉल्वेंट है। पानी बेहतरीन एक्सेलेंट सॉल्वेंट है, बेहतरीन सॉल्वेंट है जो कि काफ़ी तादाद में जो है ना सब्सटेंसेस को हल करने की सलाहियत रखता है। तो पानी में जो है ना ये मुख्तलिफ किस्म की जो सब्सटेंसेस है वो हल हो जाते हैं। तो therefore natural water when it flows seeps through the surface of the earth and dissolves minerals including salts and other substances। to pani jo hai kya hai, jo natural water hai jab ye behta hai to ye kya karta hai, seeps through the surface of the earth, yani zameen ki jo surface hai uske andar ghus jata hai, uske usme se nikal jata hai, seep ho jata hai। तो फिर जब ये ज़मीन के अंदर दाखिल हो जाता है पानी, ज़मीन की सरफेस के नीचे जा रहा होता है, तो वो अपने साथ तो मुख्तलिफ किस्म के जो मिनरल्स हैं उनको क्या करते हैं, उन मिनरल कौन कौन से, इंक्लूडिंग साल्ट जिसमें साल्ट शामिल है और नमकियात यानी कि और अदर सब्सटेंसेस हैं वो भी अपने अंदर हल कर लेती है। ये पानी जब ज़मीन में से अंदर पास होते हैं, ज़मीन के अंदर जाता है, सीपेज होती है ज़मीन की, पानी की ज़मीन के अंदर, तो वो ज़मीन से मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स और जो मुख्तलिफ किस्म के जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं वो अपने अंदर हल कर लेती है। तो उससे क्या होता है, डिस्पाइट दिस मिनरल्स इम्प्योरिटीज वाटर ऑफ मोस्ट लेक्स रिवर्स स्प्रिंग्स एंड वेल्स इज कंसीडर्ड फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक यूजेस। तो ये बता रही कि जो पानी में अगर मुख्तलिफ किस्म की जो इम्प्योरिटीज़ है वो मौजूद होती भी है, यानी लेकिन ये कि पानी मोस्ट जो दरिया होते हैं, झील जो होते हैं, तो उनका ट्यूबवेल जो होते हैं उनका पानी जो है ना ये ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए और दूसरे जो घरेलू इस्तेमाल उनके लिए फिट होता है। सब्सटेंसेस हो मे बी केमिकल और बायोलॉजिकल इन नेचर, वो सब्सटेंसेस केमिकल या बायोलॉजिकल इन नेचर होते हैं। कॉमन पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, जो कॉमन जो आम से पॉल्यूटेंट्स हैं जो ज़मीन को जो पानी को गंदा करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें, वो यानी ह्यूमन और एनिमल वेस्ट है, यानी इंसान और ये जानवरों का जो वेस्ट होता है वो पानी को गंदा कर देता है, यानी पानी को पल्यूट कर लेता है। तो इसके साथ साथ डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं, टॉक्सिक मेटल्स, टॉक्सिक मेटल्स को भी पानी को पोल्यूट करते हैं, लेड इन मर्करी और लेड और मर्करी भी पानी को गंदा करते हैं, एग्रीकल्चर केमिकल्स। तो ज़राअत के लिए जो हम मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल्स को यूज़ करते हैं वो भी पानी को गंदा करते हैं, मिसाल के तौर पर पेस्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, फर्टिलाइजर है, तो ये क्या है, ये हमारे जो वाटर है इसको पोल्यूट कर लेते हैं। एसिड रेन एंड हाई टेम्परेचर वाटर, तो एसिड रेन भी पानी को पोल्यूट करते हैं, और इसके अलावा हाई टेम्परेचर जो वाटर डिस्चार्ज है वो भी पानी को फ्रॉम पावर प्लांट्स, तो पावर प्लांट्स में जो हम रिएक्टर की कूलिंग के लिए पानी को यूज़ करते हैं, तो पानी जब हम वापस रिएक्टर से उसको छोड़ देते हैं यानी स्ट्रीम्स में या रिवर्स में, तो वो भी पानी को पानी गंदा हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, और फिर वहीं पोल्यूटेड वाटर जो है फिर रिवर्स में या स्ट्रीम में जाके फिर बाकी पानी को भी गंदा कर देती है। पोल्यूटेंट्स इन वाटर आर डेंजरस फॉर लिविंग कंजम्पशन एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज। तो पानी के अंदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो ऊपर जिक्र हुआ है वो क्या होते हैं, यानी जिंदगी के लिए खतरनाक होते हैं, और इसके अलावा अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज, तो ये जो है पीने के मकसद के लिए फिट नहीं होते, यानी मुख्तलिफ किस्म के पोल्यूटेंट्स से वो पीने के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि खतरनाक होते हैं, तो लिहाजा ऐसे पानी को नहीं पीना चाहिए।
substances that causes water pollutions are called pollutants. यानी वो सब्सटेंसेस जो पानी को गंदा करते हैं, पानी को पोल्यूट करते हैं, उसको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स. वो उसको कहते हैं पॉल्यूटेंट्स. तो ये पॉल्यूटेंट्स जो ये क्या है, ये वो सब्सटेंसेस जो पानी को पानी में अगर शामिल हो जाए तो पानी को गंदा कर देते हैं या पोल्यूट कर देते, उसको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स. तो दीज पॉल्यूटेंट्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर फ्रॉम द सॉइल. ये ज़मीन से पानी में हल हो जाते हैं ये पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं. इसके अलावा एटमोसफेयर से भी शामिल होते हैं, फील्ड्स और फैक्ट्रीज और फार्म हाउसेस, वोल्केनो, स्टॉर्म्स, एलजी ब्लूम्स एंड होम्स एट्सेट्रा. तो ये मुख्तलिफ किस्म की वजूहत है जिसकी वजह से पानी पोल्यूट हो जाते हैं, यानी एटमोसफेयर की वजह से जो फील्ड्स हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ हैं, फार्म हाउसेज हैं, और इसके अलावा जो लावा है, वोल्केनोस और तूफान है, स्टॉर्म्स और एलजी ब्लूम्स है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना पानी की पोल्यूशन का बायस बनते हैं. अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट्स ऑफ WHO, तो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अबाउट 80% ऑफ द डिजीज आर कॉज ड्यू टू द पोल्यूटेड वाटर इन द डेवलपिंग कंट्रीज. तो ये जो WHO है इसके मुताबिक जो 80% जो बीमारियां हैं वो किस वजह से होती है, ये पोल्यूटेड वाटर की वजह से होती है. बल्कि ये डेवलपिंग कंट्रीज में भी चूँकि वहाँ पर साफ पानी कम होता है, तो लोग जब गंदा पानी या पोल्यूटेड वाटर पीते हैं तो उसकी वजह से उनमें बहुत सी बीमारियाँ, यानी 80% बीमारियाँ लग जाती हैं. यहाँ पर ये वाटर पोल्यूशन है. तो ये पानी लेकिन ये पानी जो बह रहा है ये स्ट्रीम में, ये शहर है, सिटी के अंदर जो पोल्यूटेंट वाटर है, ये सारा गंदा पानी है जो शहरों के मुख्तलिफ जगहों से निकल के ये फ्लो कर रहा है. तो ये पोल्यूटेंट वाटर है और इसको अगर इस्तेमाल में लाया जाए तो 80% जो डिजीज है वो जन्म लेती है. द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स आर इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट. तो वो ज़राए जो पानी को गंदा करने का बायस बनते हैं, यानी वाटर पोल्यूशन का बायस बनते हैं. तो वो क्या है, वो पॉल्यूटेंट्स क्या है? वो पॉल्यूटेंट्स है ये यानी एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो फैक्ट्री से मुख्तलिफ किस्म का वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो वो भी वाटर पॉल्यूटेंट्स है. इसके अलावा जो हाउस होल्ड वेस्ट है, जो हम घर में हाउस यानी घर में जो वेस्ट जनरेट होता है, जैसे ह्यूमन वेस्ट या एनिमल वेस्ट है, वो भी वाटर पोल्यूशन का बायस बनता है, तो वो भी वाटर पॉल्यूटेंट है. इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड वेस्ट और ज़राअत और का जो वेस्ट है वो भी पॉल्यूटेंट्स है, वाटर पॉल्यूटेंट है. तो एनिमल वेस्ट भी वाटर पॉल्यूटेंट है. उसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट. तो पहले हम पढ़ेंगे ये इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी चार जो इनमें से बारी बारी पढ़ेंगे. एज द पोल्यूशन इंक्रीजेस द डिमांड फॉर फूड, क्लोथिंग, पेपर, प्लास्टिक्स आल्सो इंक्रीजेस इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स. इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड सब्सटेंसेस ऑन कमर्शियल स्केल. तो ये बता रहे कि जो इंसान की आबादी जैसी बढ़ रही है, तो उनकी जो डिमांड्स है, जिस तरह खुराक की डिमांड है, कपड़ों की है, पेपर्स की है, प्लास्टिक्स की है, वो भी बढ़ती जा रही है. ज़ाहिर बात है जितने ज़्यादा लोग होंगे, इंसान होंगे, उतनी उनकी जो डिमांड्स है वो भी ज़्यादा होगी. और फिर उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए उन मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री यूनिट्स हैं, जो उनको लगाया जाएगा जिसमें इजाफा होगा. और फिर ये क्या करेंगे, ये जो डिमांड है फिर ये पूरी करेंगे. और फिर यही जो इंडस्ट्री जो लगेगी, इससे फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट होगा, और यही इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है ना फिर पानी की पोल्यूशन का बायस बनेगा, जिसको हम कहेंगे कि ये वाटर पॉल्यूटेंट है. तो अब ये इस तरह ये जो इंडस्ट्री से मुख्तलिफ किस्म के ये पानी जो निकल रहा है, मतलब केमिकल्स शामिल इसमें है, तो ये सारा जो है ना फिर पोल्यूशन का बायस बनता है. तो ये फैक्ट्री से जो ये चीज़ यानी गंदा केमिकल्स पानी जो निकल रहा है, इसमें केमिकल्स मुख्तलिफ किस्म में शामिल है, तो ये दरिया में जाके फिर ये मुख्तलिफ डैम्स में जाके या दरिया में जाके फिर मजीद पानी को पोल्यूट कर लेते हैं.
These industrial units unfortunately discharge their waste, which is hot water, chemicals and solids में materials either to open grounds or to running water. तो ये जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ जो लगाई जाती हैं तो ये फिर मुख्तलिफ किस्म का जो वेस्ट है वो जिसमें हॉट वाटर है या केमिकल्स है या जो सॉलिड हो जो मटीरियल्स है वो शामिल होता है तो फिर ये फिर इंडस्ट्री से बाहर निकलता है तो या तो ये खुले मैदानों में बाहर निकलता है तो जिसकी वजह से फिर ये पोल्यूशन का बायस बनता है तो या फिर रनिंग वाटर में चलते हुए पानी में इनको छोड़ दिया जाता है तो जिससे मजीद पानी भी पलूट हो जाता है या गंदा हो जाता है. तो दीज आर एब्जॉर्ब बाई लोअर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड पास्ड इनटू द फूड चेन्स कॉजिंग डेथ्स बर्थ डिफेक्ट्स एंड मेंटल प्रॉब्लम. दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट. तो फिर ये जो सब्सटेंसेस जो फैक्ट्री से निकलते हैं ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का और कैजुअलिटीज़ का बायस बनता है और वो क्या है जिससे कि वो डेथ्स इससे जो लोग मर जाते हैं फिर जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं यानी बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है और इसके अलावा दिमागी तौर पर भी ये इंसानों को कमज़ोर कर देता है. तो ये जो सब्सटेंसेस को क्या कि इंडस्ट्रियल वेस्ट कह गए तो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज हैव बीन स्टार्टेड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान. सो काफ़ी सारी इंडस्ट्रियाँ जो है ना वो उनको लगाया गया है लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग जो है नहीं की जाती और उनका जो वेस्ट जनरेट होता है उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती तो उनको वैसे ही छोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से ये वाटर पोल्यूशन का और इन्वायरमेंट पोल्यूशन का बायस बनता है. दे जस्ट डिस्पोज ऑफ अनट्रीटेड टॉक्सिक वेस्ट इनटू द नियर बाई ड्रेन्स कैनाल्स और रिवर्स. तो ये जो है फिर जो वेस्ट बनाते हैं ये उसको ना फिर जो बाहर का जो करीबी जो ड्रेन्स होते हैं या कैनाल जो होते हैं या दरिया जो होते हैं उनमें छोड़ दिया जाता है तो जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है. इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ वेस्ट हो दिस वेस्ट आर हाईली टॉक्सिक और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड्स लाइक मर्क्यूरी कैडमियम लेड क्रोमियम आर्सेनिक एट्सेट्रा. तो ये जो है जो फैक्ट्रीज से मुख्तलिफ किस्म का जो वेस्ट निकलता है तो ये फिर क्या होता है ये टॉक्सिक होता है ये काफ़ी ख़तरनाक होता है यानी ये वेस्ट क्या होता है हाईली टॉक्सिक होता है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है ना कंपाउंड शामिल होते हैं और वो कंपाउंड्स हैं मर्करी कैडमियम लेड क्रोमियम आर्सेनिक. तो ये चीज़ें जो उसमें शामिल होती है पानी में तो जिसकी वजह से ये फिर टॉक्सिक होता है यानी मर्करी कैडमियम लेड क्रोमियम आर्सेनिक की चीज़ें अगर पानी में शामिल हो जाए तो ये ह्यूमंस के लिए काफ़ी हार्मफुल साबित होता है. एसिड्स सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड ऑयल ग्रीस डाइस एंड मैनी अदर एंड मे ऑल्सो कंटेन सम गैसेस प्रोटीन आर इन डिजॉल्व फॉर्म. तो सल्फ्यूरिक एसिड और ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है तो ये जो है ऑयल ग्रीसेस हो गए और डाइज हो गई ये भी मुख्तलिफ किस्म के जो गैसेज उन पर मुश्तमिल होते हैं जो कि वाटर पोल्यूशन का बायस बनते हैं और इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट कर लेते हैं. वाटर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज इज अ कूलेंट फॉर द क्लीनिंग पर्पजेस डिजॉल्व ऑल द केमिकल्स एंड डिटर्जेंट्स एंड कॉजेस वेस्ट पोल्यूशन व्हेन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज. These industrial waste also pollute groundwater. The compounds which are discharged from the industries gets into the body through edible substances and causes different diseases. तो ये बता रहे कि ये जो water है मुख्तलिफ industries में जो coolant के तौर पर इस्तेमाल करते हैं
या स्क्रीनिंग परपजेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी फैक्ट्री के अंदर अगर कोई चीज़ गंदी हो जाए तो उनको साफ़ करने के लिए फिर पानी का इस्तेमाल करते हैं। फिर वही पानी सफाई करने के बाद तो उसको फिर क्या करते हैं, उसको ड्रेन किया जाता है। और यानी पानी की जब सफाई, पानी के ज़रिए से जब सफाई होती है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स और डिटर्जेंट्स वगैरह शामिल होते हैं जो कि उस पानी को पोल्यूट कर लेते हैं। फिर यही पोल्यूटेड वाटर को जो वो इंडस्ट्री से डिस्चार्ज यानी बाहर निकाला जाता है, तो ये क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर लेता है। यानी जो ज़मीन के ऊपर पानी होता है या जो अंदर सरफेस वाटर होता है वो भी उसको भी गंदा कर देता है। तो ये जो कंपाउंड है जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, ये फिर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है एडिबल जो खाने वाली चीज़ें हैं उसके ज़रिए से इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं और फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का बायस बनते हैं। इसके अलावा रेडिएटिव वेस्ट दैट मे लीक फ्रॉम न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, तो रेडिएटिव वेस्ट जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन से निकलता है वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इंसानों में, या मुख्तलिफ़ किस्म की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा करते हैं। तो यहाँ पर ये इंडस्ट्री से इस पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो ये जो पानी है, ये जो डिस्चार्ज हो रहा है, ये आगे ये उसमें कैनाल्स में जा रहा है, तो ये कैनाल्स फिर आगे मूव करके फिर रिवर्स में जाते हैं। तो इस तरीके से ये फिर पानी, सारा पानी ये क्या हो जाता है, फ्लोट हो जाता है। उसके बाद है हीटेड वाटर। सम इंडस्ट्रीज एंड पावर स्टेशन यूज वाटर फॉर कूलिंग पर्पजेस। द हॉट वाटर डिस्चार्ज इन टू द रिवर सो इट मे डिस्ट्रॉय द फिश एंड अदर एक्वाटिक लाइफ। इफ द टेम्परेचर ऑफ दिस हॉट वाटर इज हायर देन 30। तो ये जो हीटेड वाटर है, ये हॉट वाटर है, ये भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल होता है, इनको बनाया जाता है हॉट वाटर को। लेकिन जब इस्तेमाल के बाद जब यानी इनको फिर डिस्चार्ज किया जाता है दरियाओं में, तो ये मछलियों को मार देती है और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्वाटिक एनिमल जो पानी के अंदर मखलूकात हैं उनको भी मार देती है, अगर उनका टेम्परेचर, उस हॉट वाटर का टेम्परेचर हो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए, तो उससे मछलियाँ और बाकी जो अभी मखलूकात हैं वो मर जाती है। उसके बाद है अनट्रीटेड वाटर। इन एरियाज वेयर देयर आर नो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी वो इलाके जहाँ पे जो सीवेज वाटर है उनको ट्रीटमेंट नहीं की जाती, तो यानी ये क्या है, ये सीवेज वाटर है ये सारा। तो ये दी सीवेज वाटर गोस इन टू द रिवर्स एंड अदर वाटर सोर्सेस। तो वो जो सीवेज वाटर है उसकी अगर ट्रीटमेंट ना की जाए और उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए यानी दरियाओं में और दूसरे जो पानी के जखायर है जैसे लेक्स है, रिवर्स है, तो वो क्या करते हैं, सीवेज वाटर कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया जर्म्स एंड वायरस है। जो सीवेज वाटर है वो उसको जब हम दरियाओं में छोड़ते हैं या बाहर छोड़ते हैं तो चूँकि उनमें बैक्टीरिया होते हैं और उस तरह किस्म के जर्म्स और वायरस होते हैं, तो वैन दिस वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज, जब उनको पीते हैं ड्रिंकिंग मकसद के लिए, डीकास, टाइफाइड, क्लोरा, हेपेटाइटिस, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा करता है जिसमें ये चीज़ें शामिल, बीमारियाँ शामिल है, यानी कि टाइफाइड है, कलरा है, और ये हेपेटाइटिस है, निमोनिया है एंड डायसेंट्री प्रॉब्लम्स है। तो ये सारी जो मसाइल है पर ये गंदे पानी पीने की वजह से हो जाते हैं। यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल वास्ट इन रिवर वेज वाटर, तो ये इंडस्ट्री का जो वेस्ट है इनको रिवर दरिया के पानी में छोड़ा जा रहा है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आर क्वालिटी आर
और वाटर क्वालिटी टेस्ट विच डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो ये जो है बता रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है BOD, यानी BOD और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड CUD और BOD, दोनों चीज़ें जो है दीज आर वाटर क्वालिटी टेस्ट। तो ये जो दो टेस्ट है BOD और CUD, ये क्या है, वाटर क्वालिटी टेस्ट है विच डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ वाटर। अगर हमने क्वालिटी ऑफ वाटर को चेक करना है तो हमने ये दो टेस्ट करने होंगे, BOD और CUD। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन टेस्ट BOD इज नोन एज ए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो दिस इज द प्रोसीजर दैट मेजर द डिजॉल्व ऑक्सीजन DO कंज्यूम बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये जो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है ना, POD, इसको ये क्या होता है बेसिकली, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बेसिकली होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बेसिकली क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो ये प्रोसीजर है जो जिसको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को मालूम करने के लिए अपनाया जाता है। तो यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है, वो ऑक्सीजन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजिशन यानी ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जब पानी पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जब ऑर्गेनिक मटीरियल्स को डिकम्पोज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो साथ फिर यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं उसको। तो दूसरा है COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दिस इज द मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स सच इज एमोनिया एंड नाइट्राइट। तो यहां पर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या है, ये एक मेजरमेंट है जो कैपेसिटी ऑफ वाटर की मेजरमेंट है। यानी इस मेजर इस मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यानी जो COD है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये कैपेसिटी ऑफ वाटर यानी वाटर की जो कैपेसिटी है कि वो ऑक्सीजन को कितना कंज्यूम करता है जब ये ऑर्गेनिक मैटर की जो डीकम्पोजिशन होती है, तो उस दौरान ये वाटर कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, उसकी जो मेजरमेंट है। और इसके अलावा जो ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स यानी सच एज एमोनिया नाइट्राइट, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ जो एमोनिया है और नाइट्राइट है उसकी उसके दौरान, ठीक है ना। और इसके अलावा जो यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करने के लिए, तो पानी की जो मेजरमेंट है, जो कैपेसिटी है उसकी, यानी पानी की जो कैपेसिटी कि वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को कितना इस्तेमाल कर रहा है, और इसके अलावा जो ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल है सच एज अमोनिया और नाइट्राइट है, तो पानी की इस कैपेसिटी को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी COD को मालूम करते हैं। तो ये COD होता है बेसिकली केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में वाटर की क्वालिटी को चेक किया जाता है, कैपेसिटी को कि वो कितना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, या इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक केमिकल है सच एज अमोनिया नाइट्राइट है उसकी यानी ऑक्सीडेशन की यानी कितनी हो रही है। तो इस चीज़ को ना, इस चीज़ की मेजरमेंट के लिए तो हम क्या करते हैं, COD को मालूम करते हैं। उसके बाद है हाउस होल्ड वेस्ट, घरेलू जो वेस्ट होता है वो यानी घरों में जो बनता है, ये हाउस होल्ड वेस्ट है। ये मुख्तलिफ किस्म का जो कचरा है, ये जो घरों में बनता है तो फिर वो बाहर इसको फेंका जाता है, तो फिर बाहर ये बल्कि क्वान्टिटी में जमा हो जाते हैं। तो वो भी क्या है, वो क्या होता है हाउस होल्ड वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट आर प्लेस्ड इन साइड द हाउसेज ड्यूरिंग डे टू डे एक्टिविटी लाइक यूजिंग सोप्स डिटर्जेंट्स फॉर क्लीनिंग पर्पजेज एटसेट्रा।
the household water enters the water bodies such as streams, canals, rivers, lakes, etc., or groundwater. It causes water pollution. The household waste remain in water in the dissolved form or in suspended form for a long time and affect the aquatic life form. तो अभी बता रहे कि ये जो हाउस होल्ड वेस्ट है ये क्या चीज़ है बेसिकली, तो कैसे जमा होता है। तो घरेलू जो कचरा होता है या हाउस होल्ड जो होता है वो ये यानी घरों के अंदर बनता है, यानी रोज़ाना की बुनियाद पे जो एक्टिविटीज़ घरों में हो रही होती है, जैसे कि हम सोप को यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं मुख्तलिफ क्लिनिंग पर्पजेज के लिए। और जब ये हाउस होल्ड When the household water enter the water, तो ये जो यानी हम जो सफाई का काम करते हैं जैसे वाशिंग हो रही है घरों में मुख्तलिफ किस्म की, उसमें हम डिटर्जेंट्स और सूप यूज़ करते हैं, तो फिर वो पानी अपने साथ में ये जो सूप वगैरह होता है डिटर्जेंट वगैरह होते हैं अपने साथ बहा कर जब ले जाता है घरों से बाहर निकलते हैं पानी, तो फिर क्या करते हैं ये जब वो स्ट्रीम यानी मेन स्ट्रीम जो होता है ना उसका पानी का जो मेन स्ट्रीम होता है या किनार जो होते हैं या दरिया जो होते हैं जब उसमें या झील जो होते हैं तो इनमें जब ये घरेलू पानी दाखिल हो जाता है या जो ग्राउंड वाटर होता है तो ये क्या करता है ये वाटर पोल्यूशन का बायस बनता है, यानी घरों से जो निकला हुआ गंदा पानी होता है वो जब दरियाओं में या झीलों में शामिल हो जाता है साफ पानी में तो उसको भी गंदा कर देता है। तो दिस हाउस होल्ड वेस्ट रिमेन इन वाटर इन डिजॉल्व फॉर्म। तो ये जो हाउस होल्ड जो वेस्ट है जो बाहर निकलता है ये पानी में चूँकि हल नहीं होता तो ये या तो हल हो जाते हैं पानी में इन डिजॉल्व फॉर्म या फिर सस्पेंडेड फॉर्म में लॉन्ग टाइम के लिए ये रहता है, तो ये फिर एक्वाटिक लाइफ को मुतासर करता है। एक्वाटिक लाइफ से मुराद ये कि जो पानी के अंदर जो मखलूकात होती है उसकी जो लाइफ है उसको कहते हैं एक्वाटिक लाइफ। हाउस होल्ड Household waste can be broadly divided into two categories. जो घरेलू वेस्ट होता है उनको दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं, फिर वेस्ट वाटर, पहले क्या है वेस्ट वाटर और दूसरा है सॉलिड वेस्ट। यानी एक तो पानी जो है जो घरों से निकलता है जो गंदा होता है उसको वेस्ट वाटर कहते हैं, और दूसरा जो सॉलिड वेस्ट होता है जैसे शापर हो गए या बाकी चीज़ें जो इस तरह का, तो इसको हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट। अब वेस्ट वाटर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर यूज इन किचन वाशरूम्स एंड क्लीनिंग फ्लोर एट्सेट्रा। ये वो पानी है जो किचन में या वाशरूम वगैरह में इस्तेमाल करते हैं या क्लीनिंग जो फर्श को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो साफ पानी जब हम यूज़ करते हैं सफाई के लिए तो फिर गंदा हो जाते हैं। फिर ये पानी कहाँ जाता है, दिस वाटर इज डिस्चार्ज इन टू द रनिंग वाटर। इस पानी को हम फिर छोड़ देते हैं रनिंग वाटर में, तो दिस डिटर्जेंट्स एंड अदर केमिकल्स लाइक मेडिसन्स एसिड्स ब्लीचेस डाइस वैक्सेस हेयर कलर्स एट्सेट्रा अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड अफेक्ट द एक्वाटिक लाइफ। तो फिर ये जो पानी होता है जिसमें घरों से निकला हुआ डिटर्जेंट्स होता है, ठीक है ना, जो यूज होते हैं केमिकल अदर केमिकल्स होते हैं मेडिसन इस तरह एसिड्स है ब्लीचेज है और डाइज वैक्सेज है हेयर कलर्स है, तो ये सारा उस पानी में शामिल होता है और ये क्वालिटी ऑफ वाटर को इफेक्ट करता है, और साथ साथ ये क्विटिक लाइफ जो होती है यानी पानी के अंदर जो आवी मखलूकात है उनको भी इफेक्ट कर देता है। जहाँ पर फ्लश्ड वाटर मोस्टली कंटेन पैथोजन सच एज बैक्टीरिया वायरसेस एंड प्रोटोजोआ। तो जो फ्लश्ड वाटर जो हम पानी से घरों से पानी को यूज़ करने के बाद बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है पैथोजन्स होते हैं। पैथोजन्स क्या चीज़ें, बैक्टीरिया वायरसेस और प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोन्स ये जो ना ये सारे क्या है पैथोजन्स है जो उसमें शामिल हो जाते हैं। इन आवर कंट्री ड्रिंकिंग ऑफ वाटर सप्लाई लाइन्स इन ओपन सीवेज ड्रेन इन द स्ट्रीट्स आर लेड साइड बाई साइड एज रिजल्ट वाटर इज फ्रीक्वेंटली कंटेमिनेटेड व्हेन पाइप्स एरोड। तो पानी जब पाइपों में जा रहा होता है तो उसकी वजह से चूँकि पाइपों को जंग लग जाता है तो उसकी वजह से पानी फिर जंग की वजह से भी कंटेमिनेट होता रहता है। तो अब ये यहाँ पर हो अनट्रीटेड हो सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट हो, तो यहाँ पर ये जो है ना इशारा क्या है, ये सॉलिड वेस्ट है जो कि शहर से या कोई घरेलू यूज से बाहर निकला हुआ है, इसको जो यहाँ पर जमा हुआ है,
ये क्या है, सॉलिड हो वेस्ट ग्रेड हो। यहाँ पर ये बता रहे कि द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द डिटर्जेंट्स ओवर सोप इज दैट, यानी जो डिटर्जेंट्स के नुकसान थे सोप के मुकाबले में वो क्या है, इट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये जो डिटर्जेंट्स है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एट्सेट्रा कैन नॉट डिकम्पोज डिटर्जेंट्स। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिटर्जेंट्स को डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है। तो वाइल दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ईजिली डिकम्पोज सोप, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सोप को डिकम्पोज तो कर लेते हैं, लेकिन जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये जो डिटर्जेंट्स हैं ये ज़्यादा खतरनाक है सोप के मुकाबले में। उसके बाद है सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट क्या है, सॉलिड वेस्ट इज आल्सो कॉल्ड अर्बन वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट को हम अर्बन वेस्ट कहते हैं या डोमेस्टिक, यानी शहरों में जो वेस्ट इकट्ठा होते हैं तो उसको हम कहें कि सॉलिड वेस्ट। इट इज़ आइदर इन सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म। तो इट कंटेन्स फूड, न्यूज़पेपर्स, ग्लास बॉटल्स, कैंस, मेटल्स एट्सेट्रा। टुडे मेनी पीपल डंप देयर गैबेज इनटू स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज। व्हेन रेन वाटर और अदर फॉर्म ऑफ वाटर कम इन कंटेक्ट विद दीज मटेरियल्स केमिकल्स, इट रिमूव्स और एक्सट्रैक्टेड केमिकल्स फ्रॉम दिस सॉलिड वेस्ट मटेरियल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग, एंड द रिजल्टिंग मिक्सचर इज कॉल्ड लीचेट। लीचेट आइदर सीप्स इनटू द सॉइल एंड पोल्यूट्स अंडरग्राउंड वाटर और फाइंड्स इट्स वे टू रिवर्स एंड स्ट्रीम थ्रू रेन वाटर। तो ये बता रहे कि जो सॉलिड वेस्ट है वो कहाँ से बनता है। तो सॉलिड वेस्ट बेसिकली ये इसको अर्बन वेस्ट कहते हैं, यानी शहरों में जो वेस्ट बनता है, या डोमेस्टिक वेस्ट हो, ये घर में जो वेस्ट पैदा होता है जो जमा होता है तो इसको हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं। ये या सॉलिड फॉर्म में होता है या सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी सॉलिड में मुराद है कि बिल्कुल सख्त होता है, हार्ड होता है, या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। सेमी सॉलिड फॉर्म से मुराद ये कि वो न लिक्विड होता है और न सॉलिड होता है, बल्कि इन दो के दरमियान में होता है। इट कंटेन्स फूड, न्यूज़पेपर्स, ग्लास बॉटल्स। तो ये सॉलिड वेस्ट में क्या चीज़ शामिल होती है, ये इसमें ये फूड जो खुराक की चीज़ें हो गई, इस तरह के न्यूज़पेपर हो गए, जो ग्लास बॉटल्स हैं ये जो हम फेंकते हैं, और इसके अलावा जो कुछ मेटल्स हैं वो भी उसमें शामिल है। टुडे मैनी पीपल डम दे रहा हूँ गैबेज इंटू स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज। आजकल जो लोग हैं क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो गैबेजेज हैं जो वो क्या करते हैं उसको गारबेज, यानी गारबेजेज जो है उसको क्या करते हैं उसको डम करते हैं, यानी स्ट्रीम में, लेक्स में, या रिवर में, या सीज में। मिनरल वाटर और अदर फॉर्म ऑफ वाटर कैम इन कंटेक्ट विद दीज मटीरियल्स केमिकल्स, यानी जो सॉलिड वेस्ट होता है जब हम इसको डंप करते हैं तो जो पानी उसके साथ मिल जाता है, उसको लग जाता है, तो फिर क्या होता है, इट रिमूव्स द एक्स्ट्रैक्ट केमिकल्स फ्रॉम दीज सॉलिड्स वेस्ट मटीरियल। तो पानी जो है ना वो उस वेस्ट जो केमिकल होते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये उस दिस प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग एंड द रिजल्टिंग मिक्सचर इज कॉल्ड लीचेट। तो वो फिर पानी से जो पानी में केमिकल शामिल हो जाते हैं तो उस मिक्सचर को क्या कहते हैं, लीचेट, और ये प्रोसेस जो है इसको कहते हैं लीचिंग। तो लीचेट आइदर सीप्स इनटू द सॉइल, या तो सॉइल में सीप हो जाते हैं एंड पोल्यूट्स अंडरग्राउंड वाटर। तो ये पानी जो गंदा होता है जिसमें केमिकल शामिल होता है, ये अगर वो अंडरग्राउंड चला जाए तो फिर क्या होता है, उससे उसके काफ़ी नुकसान होते हैं एंड फाइंड इट्स वे इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम थ्रू द रेन वाटर, यानी या तो ज़मीन को
जमीन में सीप हो जाता है और अंडरग्राउंड वाटर को गंदा कर देता है, या ये फिर दरियाओं में या नदियों में जो है पानी, बारिश के पानी के थ्रू जो है ना ये शामिल हो जाता है। उसके बाद क्या है, एग्रीकल्चर वेस्ट, ज़राअत में जो वेस्ट बनता है वो क्या होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट और वेस्ट प्रोड्यूस्ड रिजल्ट ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, यानी ज़राअत में जो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनकी वजह से भी ये सॉलिड वेस्ट हो एग्रीकल्चर वेस्ट बन जाता है। तो एग्रीकल्चर वेस्ट इंक्लूड्स बोथ नेचुरल ऑर्गेनिक एंड सिंथेटिक वेस्ट हो, तो एग्रीकल्चर वेस्ट जो है ये ऑर्गेनिक भी होता है और सिंथेटिक भी होता है। नेचुरल यानी जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो उसमें इंक्लूड हो इंक्लूड मेन्यूर एंड अदर वेस्ट फ्रॉम फार्मिंग हो, हार्वेस्टिंग हो, पोल्ट्री एंड स्लाटर हाउसेस, वेर ए सिंथेटिक वेस्ट कंसिस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, इंधन ऑफ वाटर फ्रॉम फील्ड्स, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स इंटर इनटू द वाटर, एयर साइल्स एंड सॉल्टेंस सिल्ट ड्रेन फ्रॉम फील्ड्स। तो ये भी एग्रीकल्चर वेस्ट के बारे में बताया गया है कि एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होता है। और बेसिकली जो एग्रीकल्चर वेस्ट है वो पैदा होता है, वेरियस जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है तो उनकी वजह से पैदा होता है। एग्रीकल्चर वेस्ट में नेचुरल यानी ऑर्गेनिक और सिंथेटिक वेस्ट दोनों शामिल होता है। तो जो नेचुरल ऑर्गेनिक वेस्ट है वो मेन्यूर उसमें शामिल होता है, मेन्यूर और अदर वेस्ट हो फ्रॉम फार्मिंग, यानी फार्मिंग से जो वेस्ट पैदा होता है, और इसके अलावा हार्वेस्टिंग यानी जब पौधों उस फसल को कास्ट करते हैं, और पोल्ट्री एंड स्लाटर हाउसेज एक्सेट्रा। और जबकि सिंथेटिक वेस्ट क्या होता है, सिंथेटिक वेस्ट कंसिस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, वो क्या होता है, फर्टिलाइजर होता है इन रन ऑफ वाटर फ्रॉम फील्ड्स पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स। तो ये सिंथेटिक है जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं और हर्बिसाइड यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से ये जो पानी में शामिल होता है उसको हम कहते हैं सिंथेटिक वेस्ट दैट इनटू द वाटर एंड। तो ये क्या होता है, सिंथेटिक वेस्ट होते हैं। उसके बाद है एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट क्या है, एनिमल वेस्ट ऑल्सो पोल्यूट वाटर, ये भी पानी को गंदा करता है। इन मेनी एरियाज ऑफ आवर सिटीज एंड विलेजेस एनिमल्स आर रेज्ड इन रेजिडेंशियल एरियाज। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जानवर होते हैं जो रिहाइश इलाकों में ये को रखा जाता है। तो दिस एनिमल्स एक्सक्रीटा आर यूजुअली डिस्चार्ज इनटू द कैनाल्स एंड रिवर। तो वो जो इनका जो होता है एनिमल्स का जो वेस्ट होता है यानी एक्सक्रीटा जो होता है उसको हम फिर क्या करते हैं, कैनाल्स में या दरियाओं में इसको छोड़ देते हैं, डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से पानी क्या होता है, ये पानी पोल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है, और उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पैदा हो जाते हैं वाटर में। उसके बाद ये 15.4 वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो पानी की वजह से जो बीमारियां लगती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वाटर इज द सोर्स ऑफ लाइफ, हाउ एवर मॉडर्न रिसर्च शो दैट एज मच एज वाटर कुड बी ए सोर्स ऑफ एज मच एज वाटर कुड बी ए सोर्स ऑफ लाइफ हो, इट कुड ऑल्सो ब्रिंग मच थ्रेट लाइफ हो इफ यू ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर कंटेमिनेटेड वाटर। तो ये बता रहे कि जो पानी है क्या है, ये हमारी जिंदगी का हमेशा है। तो मॉडर्न रिसर्चों में बताया गया है कि जितना हम ज़्यादा पानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा जो है ना ये थ्रेट्स को लाइफ को पैदा हो जाते हैं, और ख़ास कर अगर हम पोल्यूटेड वाटर या कंटेमिनेटेड वाटर को इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या होते हैं, द डिजीज दैट स्प्रेड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, यानी बीमारियाँ जो पोल्यूटेड वाटर की वजह से पैदा हो जाती है, आर ईटिंग दोज फूड्स दैट आर, यानी वो बीमारियाँ जो गंदे पानी की वजह से पैदा हो जाती हैं
हमें वजह से ड्रिंकिंग और पोल्यूटेड वाटर, ये गंदा पानी पी रहा है, तो सारी बात इसको तो बीमारियाँ तो लग जानी है, और इसलिए गंदा पानी जो है ना ये नहीं पीना चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो ईटिंग दोज फूड्स दैट आर prepared in polluted water are known as a waterborne disease. यानी पानी की वजह से जो बीमारियाँ पैदा होती हैं उसको waterborne disease के क्या कहते हैं। waterborne diseases are bacteria, parasitic और viral diseases. तो वो जो पानी से बीमारियाँ पैदा होती है वो क्या है, वो waterborne diseases क्या है, वो bacterial, parasitic और viral disease होती है। These diseases directly transmit when contaminated drinking water is consumed. यानी ये बीमारियाँ डायरेक्ट आगे ट्रांसमिट होती है, मुंतकिल होती है जब हम ड्रिंकिंग वाटर को पीते हैं और जब वो कंटेमिनेटेड होता है। यानी कंटेमिनेटेड वाटर को अगर हम पियेंगे तो फिर उससे क्या होगा, वो मुख्तलिफ किस्म बीमारियाँ लगेगी। और फूड प्रिपेयर्ड इन कंटेमिनेटेड वाटर इज ईटन, या जो हम गंदे पानी में खुराक को तैयार करते हैं तो उससे भी बीमारियाँ लग जाती है। waterborne diseases are major source of mortality worldwide according to the World Health Organization. Diarrheal diseases are responsible for the deaths of 1.5 million people every year. तो ये जो diarrheal जो disease है जो पानी की वजह से लग जाते हैं उसकी वजह से 1.8 million लोग जो है ना क्या होते हैं हर साल उनकी मौत होती है। Some example of these diseases are given below. तो यहाँ पर ये एग्जांपल दिया गया है, ये एब्डोमिनल क्रैम्स है जो एब्डोमिनल में होते हैं, मसले मसाइल होते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कलरा, ये कलरा जो है ना ये क्या है, इस इज अ वाटर बॉर्न डिजीज सो दैट अफेक्ट्स द इंटेस्टाइन। तो कलरा जो ये क्या है, जो हम गंदा पानी पीते हैं तो ये क्या है, फिर इंटेस्टाइन की वजह से होता है, जो ये हमारे इंटेस्टाइन ख़राब हो जाते तो वो उसकी वजह से फिर ये कलरा होता है। सिम्पटम्स यूजुअली इसकी रमत क्या है, वाटरी डायरिया यानी हम एंड ओमिटिंग। तो कलरा जो इससे क्या होता है, इससे दस्त और उल्टियाँ हो जाती है इंसान को, विच कैन लीड टू डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बेलेंस। तो ये जो डिहाइड्रेशन जब ओमिटिंग और डायरिया होते हैं तो उससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। यानी डिहाइड्रेशन से मतलब पानी की कमी इंसान के अंदर वाक़ हो जाती है, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बेलेंस है वो भी, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो जिस्म में होते हैं वो भी इम्बेलेंस हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा है डायसेंट्री। डायसेंट्री क्या चीज़ है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज, दिस इज़ द लार्ज इंटेस्टाइनल डिजीज। तो ये जो डायसेंट्री है ये भी गंदे पानी की वजह से ये बीमारी हो जाती है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये इसमें अगर कोई मसला आ जाए तो वो बीमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से प्रोड्यूस होती है, और यानी अगर लार्ज इंटेस्टाइन हमारे गंदे पानी पीने की वजह से ख़राब हो जाए तो उसको हम कहेंगे डायसेंट्री। तो ये क्या करते हैं, इसका क्या होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, यानी जिस तरह ये बताया गया एब्डोमिनल एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड पेन एंड ब्लडी स्टूल। तो ये क्या है, डायसेंट्री है जो गंदे पानी की वजह से लग जाती है। उसके बाद जो अगली बीमारी है वो क्या है, जो गंदे पानी की वजह से होती है, टाइफाइड फीवर। तो यानी वाटर बॉर्न डिजीज में जो टाइफाइड है वो भी शामिल है। तो अनदर एग्जांपल ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज इज टाइफाइड फीवर। टाइफाइड बुखार होता है, दिस इज कॉज बाय ए बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो विच इंटर द ब्लड स्ट्रीम, जो खून में हो जाए शामिल हो जाता है, यानी बैक्टीरिया, यानी ये बैक्टीरिया अगर खून में शामिल हो जाए तो फिर क्या होता है, टाइफाइड होता है, मेकिंग द पर्सन इन्फेक्टेड विद टाइफाइड फीवर। यानी वो बैक्टीरिया अगर हमारे खून में शामिल हो जाए तो वो हमारे जो है खून में शामिल हो जाए, जब हमारे खून में शामिल हो जाए तो फिर क्या है, पर्सन को इन्फेक्ट कर लेते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, तो फिर उसको टाइफाइड और बुखार लग जाता है। उसके बाद दूसरी जो अगली बीमारी है क्या है, वायरल इन्फेक्शन। पहले तो बैक्टीरियल
पहले जो थी ना, यानी क्या था, तो पहले था बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अब है वायरल इन्फेक्शन। तो ये वायरल इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं? हेपेटाइटिस ए एंड ई। तो ये जो हेपेटाइटिस ए एंड ई है, ये क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस वायरसेस आर यूजुअली फाउंड इन अनसैनिटरी सराउंडिंग और कंटेमिनेटेड वाटर। तो ये जो वायरल इन्फेक्शन है, ये भी कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से हो जाती है। तो दीज वायरसेस अटैक द लीवर एंड काजेस ऑफ जॉन्डिस। तो ये जो हेपेटाइटिस ए और ये है, ये क्या है? कंटेमिनेटेड वाटर यानी गंदा पानी पीने की वजह से ये भी बीमारी हो जाती है। तो ये क्या है? ये वायरल इन्फेक्शन है। और इसमें क्या होता है कि जो वायरस है वो लीवर को अटैक करता है। तो फिर जब लीवर को अटैक करता है, तो उससे फिर जॉन्डिस यानी यरकान पैदा हो जाते हैं। और इसके अलावा हेपेटाइटिस, ये बीमारियाँ जन्म लेती हैं एंड दिस कैन इवन कॉज लीवर फेल्योर। तो जो यरकान है वो क्या करते हैं? लीवर को भी डैमेज कर सकते हैं, उसको फेल कर सकते हैं। तो उसके बाद ही पोलियो, यानी जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें पोलियो भी एक वायरल अटैक है। द पोलियो इज अ वायरल डिजीज। द पोलियो वायरस यूजुअली इंटर्स द एनवायरनमेंट थ्रू द फेसेस ऑफ समवन हु इज इन्फेक्टेड। तो पोलियो भी क्या है? वायरल बीमारी है। तो ये हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें ये वायरस जो पखाने में होता है, वहाँ से फिर इन्वायरमेंट में शामिल हो जाता है। और जब इन्वायरमेंट में शामिल होता है, तो फिर किसी को भी ये इन्फेक्ट कर सकता है यानी मुतासिर कर सकता है। तो इन एरियाज विद अ पोर सैनिटेशन, वो इलाके जहाँ पर सफाई का खास ख्याल नहीं और रखा जाता, तो वहाँ पे ये जो वायरस है इजिली स्प्रेड, ये वायरस फैलता है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड वाटर एट्सेट्रा। तो जहाँ पे सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता, जहाँ पे कंटेमिनेटेड फूड और पानी पड़ा होता है, तो वहाँ से फिर ये वायरस अफेक्ट करता है मुख्तलिफ लोगों को, बच्चों को स्पेशली। तो सम टाइम इट कैन ट्रांसमिट थ्रू स्नीज और कफ, ये बाजों का चीखे और खांसी की वजह से भी ये वायरस मुंतकिल हो जाता है। इज द वायरस लिव्स इन द थ्रोट एंड इंटेस्टाइन। तो ये वायरस क्या होता है? ये गले में और यानी इंटेस्टाइन जो है ना, वहाँ पे ये पाया जाता है। अभी यहाँ पर ये चाइल्ड विद पोलियो, ये जो बच्चा है ये पोलियो की वजह से मुतासर हुआ है। इसकी एक टांग जो छिड़ी है, तो ये पोलियो को पोलियो लगा हुआ है। तो पोलियो की वैक्सीनेशन भी जो होती रहती है वक्तन फ़ौरतन, वो भी इस बीमारी को बचाने के लिए उसको वैक्सीनेशन करवाया जाता है, ताकि ये वायरल अटैक है ये बच्चों के ऊपर ना हो। और अगर वायरल अटैक हो, तो पहले से बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हो, ताकि वो उस वायरल की जो अटैक है उसको डिफेंड कर सके। तो इसलिए पोलियो की जो वैक्सीन है उनको बच्चों को लगाया जाता है। उसके बाद है प्रोटोजोल इन्फेक्शन। प्रोटोजोल पहले हमने पढ़ा है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, अब है प्रोटोजोल इन्फेक्शन। प्रोटोजोल इन्फेक्शन क्या है? दिस इंक्लूड एमोबियसिस। इन दिस इन्फेक्शन एमीबा इंटर थ्रू अनसैनिटरी फूड और कंटेमिनेटेड वाटर। द पर्सन फेसेस अ सीरियस ऑफ गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस। तो प्रोटोजोल जो इन्फेक्शन है, ये भी क्या होता है? ये भी क्या है? इसमें अमेबा, अमेबा ये एमोबियासिस है। तो इस इन्फेक्शन में अमेबा जो होता है, अमेबा जो है ये इसमें यानी बॉडी के अंदर किस तरह इंटर होता है, यानी अगर साफ सुथरा खुराक ना हो या कंटेमिनेटेड वाटर हो, गंदा पानी हो, तो उसके ज़रिए से ये अमेबा जो है ना फिर बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है। तो इसकी वजह से, बीमारी की वजह से क्या मसला होता है? सीरियस गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस होती है। तो ये इंटेस्टाइनल जो यानी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो बीमारी होती है वो लग जाती है। उसके बाद है पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो पैरासिटिक है
gonia worms and pinworm infections are common parasitic infection. It is mainly found in children. This they spread by swallowing the eggs of these worms through drinking contaminated water or eating spoiled food. They causes ulcers, fever, vomiting, nauseous, etc. तो पैरासिटिक जो इन्फेक्शन है ये किस वजह से होता है, ये खासकर बच्चों में होता है. तो ये एक वर्म है जिसको कहते हैं गोना वर्म. ये जो वर्म है ये और इसके अलावा पिन वर्म, तो ये दो जो वर्म्स हैं ये क्या करते हैं, ये इन्फेक्ट करते हैं बच्चों को स्पेशली. और ये कहाँ पे बच्चों में ये नहीं पाए जाते हैं, तो ये जो है ना अपनी ग्रोथ को फैलाने के लिए एग्स एग्स के ज़रिए से इन्हें एग्स देते, तो फिर यानी ये इसके जो अंडे होते हैं ये कंटेमिनेटेड वाटर में या कोई स्पाइल फूड में अगर शामिल है, तो जब हम उस स्पाइल फूड यानी जो ख़राब शुदा जो खुराक होती है स्पाइल फूड जो होती है उसको जब हम खाते हैं या यानी एक्सपायर जो फूड होती है या कोई गंदा पानी जब हम पीते हैं, तो उसमें ये जो वर्म्स हैं इनके अंडे शामिल होते हैं, तो उस अंडे हमारे जिस्म में आ जाते हैं, तो फिर वो इस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर ये जो वर्म्स हैं फैल जाते हैं यानी कंटेमिनेटेड वाटर स्पाइल फूड. तो इसकी वजह से क्या होता है, अल्सर होता है, बुखार होता है, उल्टियाँ होती है, वोमिटिंग एंड नौसा. तो ये यानी ये सारा जो है नौसा ये सारी यानी बीमारियाँ जो है ना ये उसकी वजह से होती है, पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से होती है. तो उसके बाद है उसके बाद है आर्सिनोकोसिस एंड फ्लोरोसिस. तो आर्सिनिकोसिस है और फ्लोरोसिस है. तो ये आर्सिनिकोसिस बेसिकली आर्सेनिक की वजह से होता है और ये फ्लोरोसिस जो है फ्लोराइड की वजह से होती है. तो ड्रिंकिंग वाटर विद आर्सेनिक एंड फ्लोराइड मिनरल्स है सीरियस इफेक्ट ऑन हेल्थ. तो जिस पानी में यानी आर्सेनिक होता है या फ्लोराइड होते हैं वो हमारी सेहत को बुरी तरह मुतासर करते हैं. अब फ्लोरोसिस क्या चीज़ है, ये एक बीमारी है जो पानी पीने की वजह से हो जाते हैं, स्पेशली वो पानी जिसमें ज़्यादा फ्लोराइड शामिल होते हैं, तो उसकी वजह से ये फ्लोरोसिस बीमारी इंसान को लग जाती है. और इट डैमेजेस द बोन्स एंड टीथ, ये हमारी जो हड्डियाँ है और दांत को डैमेज करते हैं. उसके इसके अलावा है आर्सेनिकोसिस भी एक बीमारी है जो पानी यानी जिस पानी में जो है आर्सेनिक ज़्यादा हो, तो अगर हम उस पानी को पी रहे तो उसकी वजह से बीमारी हो जाती है. इट इज़ नोन एज ए आर्सेनिक पॉइजनिंग. इसको यानी जब हम ये आर्सेनिक कंटेनिंग वाटर को पीते हैं तो फिर लोग बीमार हो जाते हैं, फिर उसको कहते हैं कि आर्सेनिक पॉइजनिंग है. तो द सिम्पटम ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग्स आर एक्सेस ऑफ सलाइवा. तो इसकी जो अलामत क्या है, सलाइवा यानी मुँह के अंदर जो सलाइवा होता है वो ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा आ जाता है, वोमिटिंग उल्टी आती है, नौसी ब्लड इन यूरिन खून में फिर क्या होता है यानी कि ब्लड आता है. द डब्ल्यू एच ओ रिकमेंड्स लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एट ए पॉइंट 0.1 ppm. तो डब्ल्यू ए ने जो आर्सेनिक की जो लिमिट रखी है पानी में जो ले 0.1 ppm रखी है यानी मिलीग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर. तो ये क्या है, ये आर्सेनिकोसिस है. आर्सेनिकोसिस यानी आर्सेनिक अगर पानी में किसी ने पिया है तो उसको इस तरह की बीमारी भी लग सकती है. और ये है क्या, डेंटल फ्लोरोसिस. अगर किसी ने पानी पिया जिसमें फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा हो तो उसके दांत और बाकी हड्डियाँ भी ख़राब हो जाती हैं. ट्रीटमेंट इज एसेंशियल फॉर वाटर टू बी ड्रिंकेबल. यानी ये बता रहे कि जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसको अगर हम यूज़ करेंगे तो उसकी हम पहले ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि ये ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है. अगर जो हम ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फिर उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होते हैं, तो
तो वो क्या करते हैं, हमारे हेल्थ को बुरी तरह अफेक्ट करते हैं और हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ लग जाती हैं। सो अगेन सेम वाटर विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर स्पेशल पर्पज इज कॉल्ड ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटेड वाटर। यानी वाटर को अगर हम ट्रीट करें, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं और इसके अलावा जो पोलूटेंट्स होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, तो उनसे अगर हम इनको पाक करें तो उसको हम कहते हैं ट्रीटेड वाटर। ट्रीटेड वाटर यानी वो वाटर जिसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के साफ किया जाता है, जैसे कि डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एंड क्लोरिनेटेड वाटर फॉर स्विमिंग पूल। यानी हम जो स्विमिंग पूल में पानी यूज़ करते हैं उसमें हम क्लोरीन पास करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है उसको किल किया जा सके। वाटर इज पास थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर एंड मेक इट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो वाटर को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि वो उसके अंदर जो मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज है उनको हटा दिया जाए और उसको पीने के काबिल बनाया जा सके। फर्स्ट वाटर इज स्टोर्ड इन सेटलिंग बेसन ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम सल्फेट टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड डिजॉल्व सॉलिड्स। तो ये बता रहे कि जो अगर हम वाटर की ट्रीटमेंट करेंगे, यानी अगर हम ट्रीटेड वाटर हासिल करेंगे, ट्रीटेड वाटर को अगर हमने हासिल करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने पहले वाटर को हमने क्या करना है, सेटलिंग बेसन यानी एक कंटेनर होगा बड़ा, तो उसके अंदर हम पानी को डालेंगे जो कंटेमिनेटेड वाटर होते हैं या पोल्यूटेड वाटर होता है या गंदा पानी होता है। तो जब हम उसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, उसके बाद फिर हम उसको ट्रीट करेंगे विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। तो उसके बाद फिर पानी को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम सल्फेट के साथ ट्रीट करेंगे ताकि उसके अंदर जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं और डिजॉल्व सॉलिड्स हैं उनको हटाया जा सके। सो वाटर इज स्टोर्ड इन सेटल बेसन्स ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम सल्फेट टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड डिजॉल्व सॉलिड्स। उसके बाद क्या होगा, इट इज देन फिल्टर्ड, उसके बाद फिल्टर करते थ्रू सेंड, यानी जो सेंड होता है रेत, उसमें से उसके जरिए से हम उसको फिल्टर करते हैं। यानी उसका मतलब ये कि सेंड में से यानी जो रेत होती है उसमें से हम पानी को गुजारते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एंड ग्रेवल बेड टू रिमूव रिमेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स। यानी उसके बाद फिर हम इसको यानी जो सेंड होता है उसमें से गुजारते हैं और ग्रेवल बेड जो होता है उसमें से गुजारते हैं ताकि जो सस्पेंडेड पार्टिकल जो उसमें बचे होंगे वो भी ख़त्म हो जाए, वो भी रिमूव हो जाए। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दिस, इसके बाद वाटर इज पास्ड थ्रू चारकोल टू रिमूव कलर एंड ऑर्डर। उसके बाद फिर पानी को चारकोल में से पास करते ताकि उसका जो कलर है अगर कोई चेंज हुआ है या जो उसके अंदर बदबू है, ऑर्डर है, उसको रिमूव किया जा सके, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर के अंदर उसका कोई कलर नहीं होना चाहिए, उसकी कोई यानी कि बदबू नहीं होनी चाहिए, स्मेल नहीं होना चाहिए। तो एट लास्ट फाइनली क्लोरीन इज पास्ड फ्रॉम वाटर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जर्म्स सच एज बैक्टीरिया एट्सेट्रा। और आखिर में हम उस पानी में से क्लोरीन को पास करते हैं ताकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि बैक्टीरिया है उसको मारा जा सके। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नाउ दिस वाटर इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पज। तो ये पानी जो है ना वो उसको पीने के लिए सही है, ये पानी पीने के काबिल है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो ये वाटर ट्रीटमेंट हम ये ऊपर डिस्कस किए, ये पानी की जो क्वालिटी है इसको इम्प्रूव करता है। एंड दिस ट्रीटमेंट प्रोसेस, इस ट्रीटमेंट प्रोसेस में द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व सॉलिड्स एंड किलिंग ऑफ द पैथोजेंस मेक्स द वाटर क्लीन एंड सेफर फॉर ड्रिंकिंग। तो ये जो प्रोसेस है ये पानी को पीने के काबिल बनाता है। इफ ड्रिंक द अनट्रीटेड एंड कंटेमिनेटेड वाटर, अगर हम ये जो है जो कंटेमिनेटेड वाटर है या अनट्रीटेड वाटर है
इसको पियेंगे तो क्या होगा, इससे देर इज ग्रेट रिस्क हो, तो हम रिस्क ले रहे बिंग ऑफ सीरियस इल। तो यानी कि अगर हम कंटेमिनेटेड पानी पियेंगे या अनट्रीटेड पानी पियेंगे तो उससे हम बीमार भी हो सकते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू ड्रिंक ट्रीटेड वाटर। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हर दफ़ा जो है इसको पीने वाला पानी, वो पानी इस्तेमाल करें जो ट्रीटेड वाटर हो, यानी जिसकी ट्रीटमेंट हुई हो, यानी उसकी मुराद ये कि जिसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा हो, जैसे कि ऊपर डिस्कस हो चुका है कि ये यानी कि मिसाल के तौर पर यह सेटलिंग बेसन में पहले इसको डालते हैं, उसके बाद फिर कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में से उसको, यानी कैल्शियम ये जो है और एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है तो इसके साथ ट्रीट करते हैं, तो ताकि उसके बाद फिर उसको फिल्टर करते हैं थ्रू सेंड फिल्टर, उसको करते हैं सेंड, ये सेंड का जो ग्रेवल बेड होता है उसमें से जो सेंड करते हैं, ताकि और उसके बाद आखिर में चारकोल से गुजारा जाता है ताकि उसकी जो स्मेल और कलर है उसको ख़त्म किया जा सके, और फाइनली इसकी क्लोरीनेशन होती है, क्लोरीन में से पास करते हैं। तो ये स्टेजेज, ये पहला स्टेज क्या है, सेटलिंग इन सेटलिंग बेसन में रखते हैं, उसके बाद फिर कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम सल्फेट डालते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं इसको फिल्टर करते हैं थ्रू सेंड एंड ग्रेवल बेड। ठीक है, ये सेंड और ग्रेवल बेड है, और ये यानी कि पहला मरहला है, ये दूसरा मरहला है, दूसरा स्टेप है ये, तो ये है तीसरा सेंड वाला जो है, और फाइनली ये क्लोरीनेशन जो है ना, क्लोरीनेशन, तो ये क्या है चौथा स्टेप है। तो ये चार जो स्टेप है इसमें से हम पानी को गुजार के फिर पीने के काबिल बनाया जाता है। तो यानी चार स्टेप्स कौन कौन से हैं, पहला स्टेप क्या है, ये सेटलिंग बेसन, दूसरा स्टेप है कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम सेंड, और इसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो क्या है, सेंड एंड ग्रेवल बेड, ये तीसरा स्टेप है, और उसके बाद चौथा जो है वो क्या है, चौथा स्टेप क्या है, जो लास्ट वाला वो क्लोरीनेशन है। ठीक है, क्लोरीनेशन ये चौथा स्टेप है, यानी पहला जो स्टेप है वो सेटलिंग इन द बेसन, उसमें हम रखते हैं बेसन में हम रखते हैं ताकि पानी सेटल हो जाए, और उसके बाद फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम यानी सल्फेट डालते हैं, तो उसके बाद फिर आखिर में इसको हम फिल्टर करते हैं, फिल्टर के लिए हम इसको ग्रेवल सेंड या यानी उसको हम सेंड या ग्रेवल बेड से गुजारते हैं, तो आखिर में हम किसी को क्लोरीनेशन करते हैं, तो जिसके बाद में फिर ये पानी साफ हो जाते हैं और पीने के काबिल बन जाते हैं। तो ये चार स्टेप, फोर स्टेप्स हैं, तो दीज आर द फोर स्टेप्स बाई विच वी कैन बी एबल टू मेक द ड्रिंकिंग वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। यहाँ पर एक स्टेप रह गया, तो ये है आफ्टर दिस वाटर इज पास्ड थ्रू चारकोल, तो ये जो है चारकोल में से जब इसको पास करते हैं, ये जो है ना चारकोल में से जब इसको पास करते हैं, तो यानी ये जो है ना चारकोल, तो ये क्या है चौथा स्टेप है, और क्लोरीनेशन वाला जो है पांचवा स्टेप है, तो यानी कि ये जो है, अब ये टोटल कितने स्टेप्स हो गए, तो फर्स्ट स्टेप जो है ये वाला था, फर्स्ट स्टेप ये वाला था यानी सेटलिंग बेसन में जो हम भरते, तो दूसरा हो गया पासिंग माय मिक्सिंग ऑन यानी कैल्शियम और यानी उसमें यानी कि सेटलिंग बेसन में डालने के बाद फिर उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम सल्फेट डालते हैं, ये दूसरा हो गया, दूसरा इसको कंसिडर कर लें। तो तीसरा जो था वो क्या था, वाटर इज पास्ड थ्रू सैंड एंड ग्रेवल बेड, ये सैंड एंड ग्रेवल बेड ये क्या है तीसरा, इसको ये तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा जो था, वाटर इज पास्ड थ्रू वाटर इज पास्ड थ्रू, यहाँ पर ये देखे थ्रू चारकोल,
ये चारकोल जो है ना, ये क्या है, चौथा स्टेप हो गया, ठीक है जी। और फाइनली जो है ना, ये क्लोरीनेशन, ये क्लोरीनेशन है फाइनल। ये क्लोरीनेशन जो है ये पांचवा स्टेप है। तो टोटल कितने हैं, पांच स्टेप्स है। यानी पहला जो स्टेप है वो उसका है ये वाला है, दूसरा है यानी सेटलिंग बेसन, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसमें एल्युमिनियम सल्फेट को मिलाना, और तीसरा है सैंड के बेड में से गुजारना, चौथा है चारकोल ट्रीटमेंट, और इसके बाद फाइनल जो पांचवा है वो क्लोरीनेशन है। तो ये टोटली पांच स्टेप्स हो गए। उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स, यानी वाटर पोल्यूटेंट्स जो है इनके इफेक्ट क्या होते हैं। द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स आर नॉट ओनली डिस्टर्बिंग द पीपल बट ऑल्सो टू द प्लांट्स एनिमल्स फिशेज एंड बर्ड्स। तो ये जो पोल्यूटेंट वाटर है ये क्या है, ये ये वाटर पोल्यूशन जो है ये सिर्फ लोगों को डिस्टर्ब करता है बल्कि प्लांट एनिमल्स फिशेज और बर्ड्स को भी डिस्टर्ब करता है। तो पोल्यूटेड वाटर इज अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो ये जो पोल्यूटेड वाटर है ये मुनासिब नहीं होता, यानी अनसुटेबल होता है ड्रिंकिंग के लिए, पीने के मकसद के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए। और मोर सीरियसली कंटेमिनेटेड वाटर डिस्ट्रॉय एक्वाटिक लाइफ एंड रिड्यूस इट्स पोल्यूशन एबिलिटी। तो जो सबसे बड़ा नुकसान ये है पोल्यूटेड वाटर का, वो ये है कि ये जो कंटेमिनेटेड वाटर है ये एक्वाटिक जो लाइफ है यानी जो आवी मखलूकात है उनको डैमेज करती है, और या उनकी जो रिप्रोडक्शन है उनको कम कर देती है। द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी कैन हेल्प टू मिनिमाइज वाटर पोल्यूशन। यानी जो इंडिविजुअल्स हैं या जो कम्युनिटी है उनको चाहिए कि वो ये जो वाटर पोल्यूशन है इसको कम से कम करने में उस पर फोकस करें। द मेजर इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन इज अंडर। अब इसके जो पानी के जो यानी इफेक्ट्स है, जो पोल्यूटेड वाटर है उसके इफेक्ट्स क्या है वो नीचे बताए गए हैं। तो फर्स्ट वन इज इन्फेक्टस डिजीज। तो ये जो इन्फेक्शस डिजीज है ये क्या है, वाटर पोल्यूशन इज द मेजर काज ऑफ इन्फेक्शस डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स। दिस डिजीजेज इंक्लूड टाइफाइड, कलरा, डायसेंट्री, एमोबियासिस, इसके अलावा एस्केरोसिस एंड हेपेटाइटिस। तो ये जितनी बीमारी है ये पोल्यूटेड वाटर की वजह से होती है। यानी पोल्यूटेड वाटर का ये जो इफेक्ट है, इन्फेक्शियस इफेक्ट जो है ना, ये डिजीज जो है ना ये फैलाता है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जो है ना ये इससे पैदा हो जाती है। उसके बाद दूसरा है न्यूट्रिएंट पोल्यूशन। न्यूट्रिएंट पोल्यूशन इज अ फॉर्म ऑफ वाटर पोल्यूशन। इन दिस प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, nitrates etc. become part of water as a runoff from agricultural fields or weathering rocks. तो ये बता रहे हैं कि जो जो न्यूट्रल्स पोल्यूशन है, तो ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स पोल्यूशन क्या है, ये फॉर्म ऑफ वाटर पोल्यूशन है। जो इस प्रोसेस में क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट्स ऑफ जो न्यूट्रंट्स है जिस तरह के नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, नाइट्रेट्स है, तो ये क्या होते हैं, पानी में शामिल हो जाते हैं, बिकम पार्ट ऑफ वाटर। और ये शामिल कहाँ से होते हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड्स है वहाँ से शामिल होते हैं, या इसके अलावा जो वेदरिंग ऑफ राक्स है, जो राक्स है उसके ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म की बारिश होती है या तूफान उसके ऊपर आते हैं, तो जो उसकी वेदरिंग होती है यानी, तो उससे भी पानी में जो है ना ये न्यूट्रिएंट्स जो है ना ये शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा दिस इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन, यानी ये जो न्यूट्रिएंट्स है
अगर ये पानी में शामिल हो जाए तो उसको हम कहेंगे यूट्रिफिकेशन। These excessive amounts of nutrients creates problems such as excessive growth of algae. तो ये जो excessive जो amount of nutrients जो ऊपर जिक्र किया गया, तो ये अगर पानी के अंदर आ जाए तो उससे क्या होता है, ये जो algae है इसकी ग्रोथ जो है ना ये बहुत जल्दी हो जाती है। तो algae जो है इसकी ग्रोथ जो है ना वो जल्दी होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा डिक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो ये जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको कम कर लेते हैं। दिस इन टर्न कैन किल फिश, क्रेब्स और ऑस्ट्रिच एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स। तो ये अगर पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम पड़ जाए, जिसको हम डीओ कहते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो ये अगर कम हो जाए तो उससे क्या होता है, तो उससे ये होता है कि जो यानी फिश है ये मर जाते हैं और क्रेब्स वगैरह मर जाते हैं। तो इसके अलावा ये बाकी जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो भी मर जाते हैं। तो इसलिए पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो स्पेसिफिक क्वांटिटी वो ज़रूरी है, अदरवाइज फिर ये नुकसान का बायस बनता है अगर ये डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें कम हो। उसके बाद केमिकल कंटेमिनेशन। तो केमिकल कंटेमिनेशन क्या चीज़ है, सम ऑफ द मेजर इफेक्ट्स ऑफ केमिकल कंटेमिनेशन आर इज अंडर pesticides effect and damage of the nervous system, liver, reproductive system, endocrine glands and DNA. तो अगर पानी के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ सोर्सेज से इसमें शामिल हो रही होती है, तो उसमें फिर ये क्या होते हैं, अगर मिसाल के तौर पेस्टिसाइड्स अगर पानी में शामिल हो गए तो उसका जो इफेक्ट होगा, डैमेज हो क्या है, नर्वस हमारा जो नर्वस सिस्टम है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम कहते हैं CN, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNO, इसको हम ये लिखते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारा जो नर्वस सिस्टम इनको डैमेज करता है, उसके अलावा लीवर को करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है और DNA इनको डैमेज करता है। ये पेस्टिसाइड जो है इतने खतरनाक है। तो उसके बाद है ऑयल। ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल्स कैन अल्टर द इकोलॉजी ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड द फिजियोलॉजी ऑफ मेरीन ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बींग्स। इट कॉजेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन, लीवर्स एंड किडनीज डैमेज एंड नर्वस सिस्टम इफेक्ट्स। तो ऑयल और पेट्रोकेमिकल जो होते हैं ना, अगर पानी में ये चीज़ें शामिल हो जाए तो उससे क्या होता है, नुकसान क्या होता है, उसका नुकसान ये होता है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है ट्रेक, उसकी इरिटेशन होती है और यानी जलन होती है और लीवर और एंड किडनीज डैमेज हो जाते हैं और इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो मुतासर हो जाता है। तो उसके बाद मरकरी एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। मुख्तलिफ किस्म की जो फैक्ट्रियाँ होती है उसमें जो है मरकरी और इट्स कंपाउंड्स हैं, यानी मरकरी और उसके जो कंपाउंड्स हैं इसको यूज़ किया जाता है। तो ये जब यूज़ किया उसके बाद फिर इनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। डिस्पोज ऑफ करने के बाद फिर ये पानी में शामिल होता है और जब ये मरकरी और उसके जो कंपाउंड्स हैं जब पानी में शामिल हो जाए तो पानी क्या हो जाता है, पलूट हो जाता है और फिर इससे क्या होता है, इट फाइंड इट्स वे इन टू दी वाटर बॉडीज प्राइमरली थ्रू एयर पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। मरकरी गेट्स इन टू द बॉडी थ्रू फूड, स्पेशली सी फूड, यानी जब हम समुद्र की जो सी फूड है यानी जिस तरह मछली हम खाते हैं, तो उसमें अगर मरकरी मौजूद है, यानी अगर मरकरी इसलिए मौजूद क्योंकि पानी में जो मरकरी शामिल होता है तो वो पानी फिर झील में चला जाता है या दरिया समुद्र में चला जाता है दरिया में, तो वो पानी फिर मछली के जिस्म में चला जाता है, फिर हम जो मछली को खाते हैं तो वो हमारे जिस्म के अंदर मरकरी आ जाता है और फिर उससे क्या होता है, इन चिल्ड्रेन इट कॉजेज ऑफ ब्रेन डैमेज। तो ये मरकरी जो है अगर कोई बच्चे खा ले तो फिर उसकी ब्रेन को डैमेज कर लेता है। इसके अलावा लर्निंग डिफेक्ट्स हो तो बच्चे में जो है ना जो यानी सीखने की जो सलाहियत है उसको कम कर देता है, क्योंकि जो ब्रेन डैमेज हो जाए तो फिर इंसान किसी काम का भी नहीं रहता। और इनकम्प्लीट मेंटल डेवलपमेंट, तो सारी बात है फिर जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी इनकम्प्लीट होगी क्योंकि जो दिमाग डैमेज हो जाए। और
एडल्ट में क्या होता है, बड़े जो लोग बड़े यानी आदमी जो होते हैं, बच्चों के अलावा जो बड़े होते हैं, उसमें क्या होते हैं, मर्करी काजेस हम पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, तो ये दो डिजीज जो है ना, ये फिर बड़ों में भी इनकी वजह से, मर्करी की वजह से होती है। उसके बाद है नंबर 4 है थर्मल वाटर पोल्यूशन। हॉट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इज डायरेक्टली अलाउड टू बिकम द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जो हॉट वाटर है, हॉट वाटर जो है वो क्या है, जो मुख्तलिफ इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है हॉट वाटर को, तो उससे क्या होता है, ये इसको हम अलाउ करते हैं बाज़ अवक़ात ना टू बिकम पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये हॉट वाटर को हम एनवायरनमेंट में जब अलाउ करते छोड़ देते, तो ये जो हॉट वाटर है इसके क्या इफेक्ट होते हैं, एक्वाटिक जो लाइफ है यानी जो आबी मखलूकात है उस पर, उसके ऊपर क्या इनके साथ होते हैं, तो दिस हॉट वाटर डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड एज ए रिजल्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म विल बी डाई ड्यू टू द स्टोरेज द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो हॉट वाटर जो हम समुद्र में छोड़ लेते हैं तो वो ऑक्सीजन को कम कर देता है, तो ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ किस्म के जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं यानी कि इस तरह फिशेज है वो मर जाते हैं, क्योंकि पानी में जब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाए तो फिर ये फिशेज वगैरह मर जाती हैं। और उसके अलावा जो मैनी एक्वाटिक एनिमल्स हों स्पेशली जो यंग होते हैं कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर अबाउ 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड विल डाई। तो हॉट वाटर अगर उसमें आ जाए, जो पानी है उसमें आ जाए यानी, तो उससे क्या होता है, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो स्पेशली यंग हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि अगर उनके लिए पानी का टेम्परेचर जो है ना 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए तो जो यंग एनिमल्स होते हैं पानी के अंदर वो मर जाते हैं। तो ये हॉट वाटर के भी नुकसान आते हैं। सो दिस इज दी ये एंड ऑफ चैप्टर, एंड ऑफ चैप्टर नंबर 15। तो ये हमारा जो था ये चैप्टर नंबर 15 जो ये इख्तिताम पज़ीर हो गया। तो उसके बाद फिर हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 16 को शुरू करेंगे, और वो है केमिकल इंडस्ट्रीज, तो वो हम नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद है आपके लिए ये लेक्चर कारामत साबित हो गया होगा, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।